हाय दोस्त, नमस्कार। सक्सेस बैंड में पुनः आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्त आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 से, जिस चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रिक करंट, जो शॉर्ट में बोलते हैं ईसी अर्थात इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके संक्षिप्त में रहेगा कि डीसी जो डायरेक्ट करंट है वो कैसे उत्पाद होता है, फिर पीसी अर्थात प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल, वोल्टमीटर, सोलर सेल, ये कैसे तैयार होता है, कैसे कार्य करता है। दोस्त आइए इसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें। तो ये दोस्त डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये इसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, इस शब्दावली के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। वही हम चर्चा कर रहे थे डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट, एक अस्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। कह रहा है एक अस्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे डीसी कहते हैं। जैसे कि एक अस्थायी धारा केवल एक ही दिशा में वो प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, डीसी। उसके बाद से प्राथमिक सेल, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण प्राथमिक सेल का रहता है। वोल्टमीटर, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, आगे है सोलर सेल। ऐसे विद्युत सेल जो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे सोलर सेल कहते हैं। जैसे कि हम एक ऊर्जा से दूसरे इन ऊर्जा में जब कन्वर्ट करते हैं वो हमारा क्या है, सोलर सेल। ठीक है, सोलर सिस्टम। आइए इसके बारे में जानते और पढ़ते हैं पिछली कक्षाओं के अध्ययन के अनुसार। आइए एक आपको फिगर के माध्यम से हम चलते हैं और ले चलते हैं फिगर में। करें कि टार्च सेल, बल्ब तथा संयोजन तार लेकर चित्रानुसार चित्र के अनुसार जोड़े। इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे प्लास्टिक का कवर तार लगाया गया है, सेलो टेप से बांधा गया है इसको, सेलो टेप से, और विद्युत सेल है। देखिए इसमें कैसे इस बल्ब को जलाया जा रहा है। आइए इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं। आइए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करें कि समझने समझाने का। ठीक है दोस्त, ये हमारा रहा प्लस पॉइंट, जो हमारा ये भाग है ये प्लस, ठीक है दोस्त, और ये वाला भाग जो है वो माइनस का है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला जो अल्टरनेटिक करंट है, यहाँ पे विद्युत, यहाँ बल्ब लगाया गया है, बल्ब देखिए कैसे रोशनी कर रहा है। इस विद्युत के माध्यम से इस एक जो हमारा सेल है, इस सेल के माध्यम से हमारा प्लस माइनस। ठीक है दोस्त, अब इसमें कह रहा है कि विद्युत धारा है क्या। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक सेकेंड में या कुछ सेकेंड में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जो हमारा विद्युत, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जो आता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या ऐसे बोल सकते हैं प्रवाहित आवेश के चालक के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यह हमारा जो आवेश है, इस आवेश से और ये आवेश तक इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगा, टाइम होगा, उसको हम निरूपित करेंगे टी से, और हमारा जो विद्युत धारा आई यानी आवेश। ठीक है दोस्त, अब इसमें लगा समय, कितना समय लगा, ये टाइम हमारा है। अब इन दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस यानी कुछ आवेश होगा, इसके अनुसार हम आगे आइए समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कह रहा है आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे हम अभी बताए थे विद्युत धारा आवेश, इसमें क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है दोस्त, अब इसमें जो आवेश होता है, हम यहाँ से इस डिस्टेंस के बीच में जो हमारा टाइम यानी टी वो है टाइम, उसको हम समय से निरूपित कर रहे हैं। तो यहाँ पे विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, या विद्युत धारा आई इक्वल टू क्यू, क्यू को हम आवेश से दर्शाते हैं, बटा टी यानी हमारा टी संकेत है समय से। ठीक है, तो ये हमारा हुआ विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, या विद्युत धारा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, या ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी,
जो आई हमारा है विद्युत धारा और क्यू जो है हमारा वो आवेश है। पूरे परिपथ में जो हमारा आवेश है वो क्या है क्यू, और जो पूरे डिस्टेंस के बीच में जो हमारा समय लगा है वो हमारा क्या है टाइम इक्वल टू टी। तो आइए इसे निरूपित करते आगे देखते हैं। क्यू इक्वल टू चालक से होकर टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश हैं। जो हमारा क्यू है वो चालक से होकर टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाले क्या है वो आवेश है। जैसे आइए इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। हमारा जो क्यू है वो चालक यानी कंडक्टर जो है वो टी सेकेंड में यानी हमारा टी सेकेंड में कुछ ही सेकेंड में टी सेकेंड में वो क्या हुआ है प्रवाहित होने वाले आवेश जिसको हम क्या कहते हैं विद्युत धारा। अब आगे आइए देखते हैं। यदि क्यू इजकल टू वन कूलम, यदि क्यू इजकल टू वन कूलम या टी इजकल टू वन सेकेंड तो धारा आई इजकल टू वन कूलम बाई वन सेकेंड इजकल टू वन एम्पियर कह रहा है कि अगर क्यू हमारा एक कूलम हो जाए, कितना कूलम एक कूलम हो जाए और टी यानी समय भी हमारा एक सेकेंड हो जाए और धारा जो हमारा आई है वो भी एक कूलम हो जाए, एक कूलम बटा एक सेकेंड हो जाए तो एम्पियर कैसे निकालेंगे तो ये होगा आई इजकल टू क्यू बाई टी। आई इजकल टू क्यू बाई टी इसके माध्यम से हम अगर हल कर रहे हैं तो हमारा आवेश भी एक है ठीक है और टाइम भी एक है तो इन दोनों को हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है हमारा एक एम्पियर निकल रहा है। तो ये हमारा हुआ एम्पियर। ठीक है दोस्त, आइए आगे देखते हैं। यदि आवेश के प्रवाह की दर एक कूलम प्रति सेकंड हो तो विद्युत धारा एक एम्पियर होगी। कह रहा है टार्च को जलाने, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को जलाने में शुष्क सेल यानी टार्च सेल का उपयोग करते हैं। मिक्सी, हीटर, फ्रिज, पंखा आदि उपकरणों को चलाने में पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। टार्च सेल से प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है जबकि पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा प्राय प्रत्यावर्ती धारा होती है। आइए जानें कि सरल धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा क्या है या कैसे इसको संचालित करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है दोस्त, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। अब हेडिंग हमारा है दिष्ट धारा अर्थात डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे दिष्ट धारा है क्या। तो इसके बारे में देखते हैं। दिष्ट धारा वन इज डायरेक्ट करंट, एक अस्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। कह रहा है एक अस्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं दिष्ट धारा। जैसे कि एक ही दिशा में प्रवाहित होने का मतलब जो हमारा कंडक्टर है ये जो हमारा चालक है अगर ए सिरे से बी सिरे तक अगर पहुंच रहा है तो एक ही समय में एक ही सेकंड में या कुछ ही समय में वो क्या कर रहा है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है उसे क्या कहते हैं दिष्ट धारा या सरल धारा। सेल, बैटरी, सरल धारा, जनित्र से प्राप्त विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा दिष्ट धारा होती है। टार्च को जलाने तथा कैलकुलेटर आदि को चलाने में दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं या इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद से है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। अब इसमें कर रहा है ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कह रहा है कि एक ऐसी धारा या एक ऐसी जो धारा है जो परिणाम और दिशा के समय के साथ बदलती है यानी उसका परिणाम दिशा के साथ जब वो बदलती है और एक निश्चित समय के बाद फिर पुनः उसी दिशा और परिमाण के साथ क्या होता है उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है उसे क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट। ठीक है दोस्त, अब कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है अर्थात प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में 50 चक्कर क्या करता है पूरा करता है दोस्त। ठीक है, आगे इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। घरों तथा कल कारखानों में मेंस से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। घरों में बल्ब, पंखा, हीटर, फ्रिज, टेलीविज़न आदि तथा कारखानों की सभी मशीनों को चलाने में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है यानी अल्टरनेटिव करंट का ही उपयोग हम करते हैं। कहाँ पे? घरों में पंखों के यूज करने में, ठीक है, कल कारखानों के यूज में या मेंस या विद्युत, ठीक है, बल्ब, पंखा, हीटर, फ्रिज आदि जो भी हम चलाना है वो क्या करते हैं एसी यानी अल्टरनेटिव करंट के
उपयोग करते हैं। जैसे विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत क्या हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं। अब इसमें एक शुष्क सेल है, कांसे की टोपी, कार्बन के छड़, मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन जिंक का फोल। आइए इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। यह हमारा एक शुष्क सेल है यानी सूखा हुआ सेल। अब ये ऊपर वाला जो है काले टोपी वाला, ये कांसे का है, किसके है, कांसा, ठीक है। उसके बाद से कार्बन की छड़, मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन अब इसके अंदर लगे होते हैं। फिर जिंक का खोल है, ठीक है। आगे है डेनियल सेल, जिसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। सरंध्र, जस्ते की छड़, तांबे की पात्र, कार्बन, कॉपर सल्फेट बिलियन, फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 या HCl, इन सबका उपयोग करते हैं हमें। उसके बाद से लैंसे सेल। अब देखिए ऊपर वाला भाग क्या है, ये ऋणात्मक है, और इधर वाला भाग क्या है, ये धनात्मक है, जिसमें जस्ता यानी ZN का क्या लगा है, छड़ लगा है। उसके बाद से कार्बन का भी छड़ लगा है। अब इसमें द्रव यानी जो तल इसका है द्रव का है, सांद्र भी पात्र है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का भी विलयन है इसमें, MnO2 तथा कार्बन का चूर्ण भी इसमें लगा है, जिसको हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।